एक्सरसाइज 20.2 का सवाल नंबर 13 है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बहुभुज के पांच अंतःकोण में से प्रत्येक का माप 172 डिग्री 172 डिग्री एवं दूसरे अंतःकोण में प्रत्येक का माप 160 या 160 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या लिखो। अब यहाँ पे एक बहुभुज के बारे में बोला गया है जिसके पांच, सबसे पहले उस बहुभुज में कितने कोण है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले ये बोला गया कि पांच अंतःकोण, उसमें जितने भी अंतःकोण है उसमें से पांच के बारे में जानकारी है कि पांच अंतःकोण में प्रत्येक का मान 172 है और बाकी जो बचे हैं दूसरे अंतःकोण उसमें प्रत्येक का मान 160 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालनी है। ठीक है, अब इस सवाल में ध्यान दो, इस सवाल को करने से पहले इस सवाल का हम कुछ जान लेते हैं जो हमें मालूम है कि जैसे यहाँ पे त्रिभुज देखो, इस त्रिभुज में भुजाएं कितनी हैं? तीन भुजाएं हैं और अंतःकोण कितने देखो, तीन ही अंतःकोण हैं। अगर यहाँ पे चतुर्भुज देखें, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं? एन कितने? चार, एक दो तीन चार भुजाएं हैं तो चार अंतःकोण हैं। उसी तरह से अगर एक पंचभुज देखें, पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं? पांच भुजाएं हैं और अंतःकोण कितने हैं? पांच ही अंतःकोण हैं। तो इसका मतलब अर्थात जितनी भुजाएं होंगी किसी भी बहुभुज की जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही उसके अंतःकोण भी होते हैं। यानी अगर n भुजाएं हैं, n भुजाएं होंगी तो अंतःकोण भी n ही होंगे। ठीक, ये हम इसके पहले जब हम अभ्यास सीख रहे थे तब भी हमने जाना था, तो एक बार फिर मैंने दोहरा लिया कि जितने बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही उसके अंतःकोण भी होते हैं। मान लेते हैं पंचभुज है, ठीक, और उस पंचभुज में प्रत्येक कोण को मैं मान लेता हूँ मैं 80 डिग्री। ये दो जो अंतःकोण है उसमें प्रत्येक कोण का मान लेते हैं 80 डिग्री है, तो बाकी कितने अंतःकोण बचेंगे? पंचभुज है यानी n का मान यहाँ पे 5 होगा, ठीक, n का मान 5 होगा। अगर मैं दो का मान, किसी भी दो कोण का मान, प्रत्येक का मान बोल रहा हूँ 80 डिग्री है, तो बाकी कितने कोण बचेंगे? बाकी बचेंगे 5 माइनस 2, यानी बाकी देखो 3 कोण बचे, यानी n माइनस 2 बचेंगे अगर मैं दो के बारे में बोल दे रहा हूँ। तो हमारे सवाल में भी क्या है, पांच अंतःकोण के बारे में बोल दिया, पांच अंतःकोण में प्रत्येक का मान 172 है। यानी अगर जो हमारा पंचभुज, हमारा जो सवाल है बहुभुज, हमारे सवाल में बहुभुज है, अब इस बहुभुज में कितनी भुजाएं यही तो हमें निकालना है, तो मुझे नहीं मालूम कितनी भुजाएं हैं, तो मैं n मान लूंगा क्या, इसमें n भुजाएं हैं, और अगर n भुजाएं हैं तो उसके n अंतःकोण भी होंगे। ठीक, तो उन n अंतःकोणों में अगर पांच के बारे में बोल जाए कि पांच, प्रत्येक इन पांचों में से प्रत्येक का मान 172 है, तो बाकी कितने कोण बचेंगे, बाकी कितने अंतःकोण बचेंगे? वो होगा n माइनस 5 अंतःकोण बचेंगे। क्लियर, ये समझ में आया? तो अब सवाल में ध्यान दो, हम कैसे निकाले, इस सवाल को हल करें। हमें मालूम है किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल का फॉर्मूला हमें मालूम है। क्या है फॉर्मूला? अंतःकोण का योगफल, योगफल का माप, किसी बहुभुज के अंतःकोणों के योगफल का माप हमें क्या मालूम है, वो है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक होता है। अब यहाँ जो अंतःकोणों का योगफल, ये क्या है, सारे अंतःकोणों को मिलाने से इतना आना चाहिए। अब हमारे सवाल में कितने अंतःकोण है, पहले पांच तो दिए हुए हैं, पांच में से प्रत्येक का मान 172 दिया हुआ है, और बाकी कितने बचेंगे? बाकी हमने माना था कुल मिला के एन था, एन में से अगर पांच हमें मालूम है तो बाकी कितने बचेंगे, एन माइनस 5 बचेंगे। तो इस प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं कि पांच अंतःकोण में प्रत्येक का मान 172 है, यानी कुल मिला के कितना होगा, वो होगा 5 × 172, अंतःकोणों का योगफल होगा 5 × 172 पहले भाग, और बाकी कितने अंतःकोण बचे, बाकी बचे हैं, अगर एन था कुल बहुभुज में कुल अंतःकोणों का मान, अगर n हमने माना था तो बाकी कितने बचे होंगे, बाकी बचे होंगे n माइनस 5 अंतःकोण बाकी हैं, और उसमें से हर एक का मान है कितना, प्रश्न अनुसार 160 डिग्री, और इन दोनों का योगफल यानी सारे अंतःकोणों को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर, ये बन गया हमारा समीकरण। अब हमें सिर्फ इस समीकरण को हल करना, अब जब इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 से गुना करके 860 डिग्री प्लस 160 से जब गुना करेंगे तो 160 डिग्री n, और ये गुना करेंगे तो कितना आएगा 800, ये गुना करेंगे तो आएगा 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री।
अब सारे एन वाले जो संख्या है उन सबको एक तरफ लेते हैं, बाकी संख्या को इधर ले आते हैं। ठीक, करने से पहले देखो, पहले यहाँ पर 860 डिग्री और यहाँ 800 है प्लस, और यहाँ माइनस में, यानी कट के कितना 60 डिग्री आएगा, 160 यहाँ पर पहले से है, 860 डिग्री और माइनस 800 ये होगा प्लस 60 डिग्री, यहाँ है 180 डिग्री एन माइनस 360 डिग्री। अब इस माने टी एन को इधर ले आते हैं तो 160 डिग्री एन माइनस 180 डिग्री एन, ये 60 जब उधर जाएगा कितना आएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्लियर? अब ये माइनस करने से कितना आएगा माइनस 20 डिग्री, यहाँ कितना आएगा 420 ना, माइनस 420 डिग्री, माइनस माइनस कट गया। ठीक, यहाँ एन है तो एन बराबर क्या होगा 420 बटा 20, ये कटने से कितना आएगा 21, यानी एन का मान कितना आ रहा है 21। यानी जिस बहुभुज की बात यहाँ चल रही है उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी 21 होगी उसके भुजाओं की संख्या। क्लियर हुआ?